देखा रहा, रमेश सिपुआ दिमाग लगाया है, आरडी बरोना बाजा बजाया है। एकादश कहा भैया अंदर जाना, कैसे जाना है, क्या उधर छेद है, 20 रुपए रख के हाथ घुसो, लाल कागज आता है। तो मैं कागज खरीदा रहा, थोड़ी देर में कागज और खरीदा, तो बाबू कह लगे तू बार बार खरीदा ब्लैक कर रहा, हमका देखा इज्जत नहीं लेना, तो ये समझ रहा हम धोती पहने तो मजाक बना रहा। आप जो टिकट देते हैं लेके जाता हूँ गेटवा पे, पागल आदमी खड़ा टारच लेके हमारा टिकट देखता है, फिर हमें देखता आधा फाड़ देता है, 3 घंटा उन्होंने खुद घुस रहा ना हमको घुसने दे रहा। खेला जोरदार दिखाया, बसंती घोड़ो बैठी है समझे यादव, और घोड़ा दौड़ा रहे घोड़ा दौड़ा रहे, हमका कहीं भागो के घोड़ा निकले कुर्सी में ना आ जाए। हमारे बगल में चाचा बैठे रहे, कहीं बैठो मनोहर सनीमा है। अरे हमका तो का मालूम सनीमा है, हमका मालूम सनीमा है, घोड़ो नहीं मालूम सनीमा। धर्मेंद्र को ससुरा डाकू ऐसा रस्सी बांध दिया सोले में, ये डाकू ससुरा बहुत कुत्ता गिरी काम किया गब्बर हुआ, ये हमें अगर मिल जाए तो टांग पटांग धर के चीर दे ससुरा, कमीना गिरी काम किया रहा गब्बर हुआ। तो कह रहा धर्मेंद्र को इसे बांध देता है, और डाकू हीरोइनिस कहता है ए छोकरिया नाचो, तो हीरो कहे नाचना नहीं बसंती, तो हर मरद बोल रहा बसंती नाचना नहीं, बसंती नाचना। हम 3-4 बार तो बर्दाश्त किया, हम कहे नहीं नाचना, ये देखो टिकट लिया, जैसे टिकट दिखाया वैसे नाच शुरू। हम समझ गए हमारा सिनेमा हॉल में बहुत चलता है, एक गाना बहुत जोरदार है, कहे धूम मचा लो धूम मचा लो धूम, ये गाना सोलो में है, हमको बेकूफ समझ रहा है, ये गाना सोलो में झमड़ मत खींचो, ये सोलो में है। अरे कहे गुस्सा रहा है, दिखाया है सोलो में इंटरवल में, तो पूरा पब्लिक गहरा पेशाब करे, हमें अकेले दिखाया, कैसे हमारी टिकट महंगी रही। एक हीरो और रहे सोले में, दोस्त बच्चनवा ऐसा गोली खाता है, गोली खा छटपटाता है, कहता है तुम भौजी लेके भागो, हम डाकू को रोक रहा हूँ। कहे नहीं तो हमारा दोस्त तो का नहीं छोड़ सकता, धक खुद मरे हो हमको मरे हो। एक आदमी तो बच्चे अच्छा सिक्का निकालो छापा काटा करो, बच्चनवा सिक्का निकाल के जैसे छापा काटा किए, सिक्का रहा दोनों तरफ से सपाटा, वही खिसक खिसक के बच्चनवा दम तोड़ दिए रहे। अच्छा काम करते रहे, विधवा पे लाइन मरते रहे। हम कहा हम बोला हमका चाचा चलो खेला खत्म हो गया चलो, कहे बैठो 5 रुपया और बाकी। बाद में जब धर्मेंद्र आता सोले का अंदर, अपने दोस्त का लाश देखा है धर्मेंद्र बच्चन का, आखिर में खून सवार, धर्मेंद्र कहे गब्बर हमारे दोस्त को मारे है तो आ रहा हूँ, हमका बिल्कुल सही दोस्ती दिखा रहा रमेश सिपुआ, रमेश सिपुआ सही डायरेक्शन दे रहा भाई, जैसे हम तो मारो दुई लफा खींच के गब्बर होगा हमारी तरफ से, ससुरा दोस्त दोस्त को जुदा किया समझे, मार दे देख गटई गटई दाब के खींच दे ससुरा के, छाती पे बैठ के चरचरा दे ससुरा के। मारता रहा धर्मेंद्र मारता रहा, बीच में आ गए हथकटे ठाकुर, ठकुरवा कहे लगा तुम हटो हमको मारना, हम कहा जब जवान आदमी मार रहा तो लंगड़ा काय घुस रहा बीच में। अरे लेकिन ठकुरुआ ससुरा दिमागदार रहा सोले में, ठकुरुआ जो है जूता के नीचे किलिया फिट किया रहा, और किलिया वाला जूता गब्बरुआ के मुंह पे धर के इसे गचगचा कर रगड़ दिया समझे, तो खून छलछला उठा, जैसे खूना खच्चर हुआ गब्बरुआ के, हमको बहुत मजा आया, हम छुट्टा पैसा निकाल के खुशी में पर्दम फेंके, तो ससुरा सब गेटकीपर लोग मिलके हमको मारे। हमारे जितने भाजी वाले होते हैं, सब्जी वाले, टैक्सी वाले, ऑटो रिक्शा वाले, सिक्योरिटी वाले, वॉचमैन, मैंने देखा इनके पास टाइम बहुत होता है, या पता नहीं टाइम खराब करते हैं अपना भी और दूसरे का भी। दादर बॉम्बे में मैंने एक भाजी वाले से एड्रेस पूछा और फंस गया। भैया जी से पूछा, अरे भैया ये घनश्याम दुबे कहाँ रहते हैं? घनश्याम दुबे, अच्छा मतलब आपको वहां मतलब जाना है, अच्छा दुबे का जाना, अच्छा मतलब आपको काम है उनसे। ए मिश्रा ये भैया पता पूछ रहे हैं, का नाम बताए भाई? घनश्याम दुबे। घनश्याम दुबे पूछ रहे हैं, यह पहला माला में श्याम दुबे रहता है, उससे काम चले तो बुलाएं। नहीं अच्छा बता रहा हूँ, हाँ रुको रुको, हाँ बहन जी कितना कांदा चाहिए? हाँ तो ले लो ताजा है, हाँ निकालो सब बड़ा बड़ा है, हाँ हाँ थैलवा निकालो, हाँ हाँ अरे पैसा कोनो बात नहीं है, पैसा आ जाएगा घर से, बता रहे बता रहे। हाँ घर श्याम दुबे। ए यादव अरे बिड़िया फेंक दो, हाँ 2500 फेंको 2500, हाँ अच्छा ये वही तो नहीं जिनका मतलब बनारस में पेट्रोल पंप है? हाँ वही वही वही, अच्छा ये वही तो नहीं है जिनका इलाहाबाद में कोल्ड स्टोरेज है? हाँ वही वही वही, तो क्या वो आजकल बंबई में रहते हैं? हम उन्हें गांव से जानते हैं।
बम्बई में भैया अगर आपको पता चले तो हमें बताना, हमसे उधार लिया रहा दिया नहीं रहा। शादी हुई एक पुलिस ऑफिसर की, अब पुलिस वाले ने सुहागरात में घूंघट उठाया। भाई मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं कैसे मानूं आप ही मेरी बीवी है क्या समझ। अरे कमाल है, मैंने इतने लोगों के सामने आपको वरमाला पहनाई है। ठीक है, जब तक आपकी फिंगरप्रिंट, वरमाला की फिंगरप्रिंट जब तक मैच नहीं हो जाते हम कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं आपकी बीवी हूँ, मानिए। ठीक है, 100 का नोट निकाल।